हेलो फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल के लिए एक आसन बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक गत्ते की मदद से एक फ्लावर की पत्ती की शेप दी है। तो ऐसे ही हम कुछ, मैंने ये पाइपिंग पट्टी कट किया हुआ है और उसके बाद ये शेप वाला पीस हमने ऐसे रखा और यहाँ से राउंड राउंड इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है और हमने इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो ये मेरे इसी तरीके से तीन पीस हैं और तीन पीस मेरे ये हैं फ्रेंड्स, दो पीस मेरे ये हैं। ये राउंड राउंड हमने गोल गोल पीस कट किए हैं, दो पीस हैं ये फ्रेंड्स मेरे। और ये हमारे छह पीस हैं जो हमें इसके नीचे लगाने हैं। और ऐसे ही हमने कुछ ये शॉपिंग बैग लिए हैं जिससे कि ये कपड़ा ठीक बन जाए और अच्छा सा आसन बने। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे ये हमने पीस तैयार किए हैं, ये हमने नीचे के लिए पीस रखे हुए हैं और ये हमने ऊपर के लिए आसन के लिए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पीस ये लेंगे, पहले एक छोटा सा ये इस तरीके से पीस रख लेंगे और इसको, ये जो हमारा शॉपिंग बैग है इसको हम पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कट हो गए हैं। इसी तरीके से हमें कुछ पीस ये रखे हैं, इनको भी कट कर लेंगे ताकि फिर इसके बाद हम एक थोड़ा थिक कपड़ा बनाएंगे। तो मैं इसके अंदर दो दो शॉपिंग के बैग यूज कर रही हूँ। तो पहले इसको इस तरीके से रखेंगे और सीधे उल्टे का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सीधा पीस, ये उल्टा पीस है फ्रेंड्स। तो हम इस तरीके से सीधे पीस पे ये लेंगे और सेम सीधा पीस ये लेंगे। तो ये रख के हमने इस तरीके से लेंगे और यहाँ से हम कुछ सिलाइयाँ ले लेंगे ताकि ये हमारा इस तरीके से पीस जॉइंट हो जाए। तो ऐसे हम सारे पीस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने पीस इसके शॉपिंग बैग के ये कपड़े लगा लिए हैं और इस तरीके से ये मेरे सारे बड़े पीस हैं। ये देखिए, शेप के अनुसार बड़े हैं क्योंकि बाद में हम इसको इसी शेप के हिसाब से इनको कट करेंगे। तो देखिए, तीन पीस मेरे ये हो गए, तीन ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि हमारा थिक कपड़ा बन जाए। तो और ये मेरा जो गोल पीस है इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये हमारा शॉपिंग बैग हमने इसके अंदर रख लिया और इसको भी हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख लिया है और इसमें एक पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो ये देखिए, ये भी तैयार है। तो मैं इन पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से ये एकदम थिक कपड़ा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर इस पर निशान लगाएंगे। तो जैसा हमें चाहिए फ्रेंड्स, हम ऐसे ही इस पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये निशान लग गया और अब इसको हम कट करेंगे। तो ऐसे ही मैं सारे इन पे निशान लगा लेती हूँ और कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उनको कट कर लिया है और देखिए किस तरीके से कट किया है, कि हमारा निशान जो हमने लगाया था चौक का वो दिखाई दे रहा है और नीचे से हमने थोड़ा सा मार्जिन के लिए रखा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से ही आपको कट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगा और हम इसमें पहले पाइपिंग जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन हम पहले इसमें पाइपिंग जोड़ेंगे और इसमें भी, ये बाद में ये इस तरीके से यहाँ लगेगा। तो हम पहले इनमें ये जो हमने पाइपिंग बनाई है फ्रेंड्स, ये पाइपिंग पट्टी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इस तरीके से बाहर की तरफ से पहले पीछे से लेंगे और पीछे से लेने के बाद यहाँ से ऐसे राउंड 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 सिल के इसको बाहर की तरफ पलट देंगे। तो मैं ये किनारियाँ लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पाइपिंग लगा लिया है इस तरीके से। हमें एक तरफा ही पाइपिंग चाहिए। अगर आपके पास पूरी नहीं आ पा रही, ठीक से शेप नहीं आ रही, तो आप इतनी ही लगाइएगा, इतनी छोड़ दीजिएगा इस तरीके से। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये मेरे सारे पीस हुए हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर पिन अप करेंगे। ये इस तरीके से
ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, तो मैं ऐसे ही पिन अप करके इन सारी इसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो बन गया हमारे फूलों का ये। अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई करके इसको जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद लास्ट में हम इसको इसके ऊपर सिलेंगे। तो पहले मैं यहाँ से सिलाई करके इनको जॉइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मेरा जुड़ गया है बिल्कुल ठीक तरीके से। अब हम लास्ट में इसको जॉइंट करेंगे, और यहाँ हम इसको इस तरीके से रख लेंगे और पिन अप कर लेंगे। देखिए अब मैं इस पर सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल का आसन बैठने के लिए तैयार हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने कॉटन के कपड़े से बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर और अच्छा तैयार हुआ है। तो आप भी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया इस्तेमाल कीजिए, कुछ ना कुछ यूज कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।